नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। वक्त है सुर्खियों पे नजर डालने का। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को दिया शाम तक वक्त, कहा कोविड सेंटर पर क्या सोच रही सरकार। देश के साथ बिहार में भी घट रहा कोरोना संक्रमण का दर, लेकिन तेजी से बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, दहशत में लोग। राजधानी में महज कुछ देर की बारिश ने खोली व्यवस्था की पोल, पहली ही बारिश में डूबने लगा पटना। मुंगेर गोलीकांड मामले में हाईकोर्ट सख्त, मुआवजा देने में देरी हुई तो सरकार के खिलाफ चलेगा अवमानना वाद। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बिहार में मौसम ने अपना रुख बदल दिया है। बिहार में अब ताउते तूफान का हल्का फुल्का असर देखने को मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना सहित सूबे के कई जिलों में देर रात से बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी पटना में भी सुबह से बारिश ही बारिश हो रही है, जिसके बाद महज कुछ देर की ही बारिश ने राजधानी पटना की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। तो वहीं कई लोग डरने भी लगे हैं। लोगों को डर है कि कहीं इस बार भी पटना बाढ़ की चपेट में ना आ जाए। आपको बता दें कि बीते दिन हुई एक बैठक में यह दावा किया गया था कि किसी भी हाल में पटना में बारिश के बाद पानी का जमाव नहीं होगा, लेकिन पटना में पहली ही बारिश में पानी का जमाव देखने को मिल रहा है। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजधानी पटना से निषेध जुड़ चुके हैं। निषेध, राजधानी पटना में हल्की फुल्की बारिश और इस कदर का आलम सड़कों पर दिख रहा है। जी बिल्कुल ऋतिक, बेशक राजधानी वासियों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुबह से ही बारिश राजधानी पटना और बिहार के अलग अलग जिलों में हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार के उन दावों की भी पोल खुल रही है, क्योंकि पिछले साल की भी बात करें तो पिछले साल भी जब बारिश हुई थी इस सीजन में, तो उस वक्त जल जमाव की स्थिति काफी उत्पन्न हुई थी, और उस वक्त भी राज्य सरकार कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाई थी, सेल साबित हुई थी। और वही आलम इस साल भी लोगों में डर भी एक लग रहा है कि क्या इस साल भी पटना डूब जाएगा, क्योंकि पटना में पिछले साल की जो स्थिति थी वो काफी भयावह थी। खुद सुशील मोदी तक तो पटना से भागना पड़ा था, वो खुद यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे। लोग जो बाढ़ पटना में आ गया था बारिश की वजह से, तो उसमें लोग फंसे हुए थे। जी, तो वही क्या वही आलम। बिल्कुल निषेध, जिस तरीके से ताउते तूफान ने असर किया है, और उसका कहीं ना कहीं असर बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी देखने को मिला है, और लगातार बिहार में मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया था जारी, लेकिन अब जो बारिश हो रही है, और इस तरह कहा भी गया था कि राजधानी पटना में जल जमाव नहीं होगा, लेकिन जो हम आलम देख रहे हैं, जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही है, आप खुद इस वक्त राजधानी पटना की सड़कों पर आप देख रहे हैं, तो वो नजारा कुछ और ही बयां कर रहा है। निषेध जी बिल्कुल ऋतिक, इस वक्त हम एसके नगर रोड में, और यहाँ की पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे चारों ओर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो रोड है, सड़क है, वहाँ पे पानी भर गया है, क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है। और ये गाड़ी सामने देख सकते हैं, फोर व्हीलर बोर्ड के पहिए तक जो पानी है वो आया हुआ है, और इधर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, तमाम जो यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई है, तो यहाँ पे उनके जो व्हीकल के जो चक्का है वहाँ पे देखिए पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है। तो ये जल जमाव की स्थितियाँ राजधानी पटना में एक बार फिर से आई है सामने, क्योंकि पिछले साल सरकार दावा कर रही थी कि आगे निपटा जा सकेगा, काम किया जाएगा, लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं पटना के, कहीं ना कहीं लोग एक बार फिर से डर रहे हैं, और लोग इस बात को सरकार के पास सरकार के बिल्कुल बिल्कुल निश्चित। लेकिन जो बारिश हो रही, रात देर रात से बारिश हो रही है, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में भी तेज बारिश इस तरह हो सकती है, तो जो आलम पहली बारिश ने दिखाया है राजधानी पटना की सड़कों पर, नगर निगम क्या कुछ काम कर रहा है इस पे? जी देखिए, सरकार भी और नगर निगम भी ये दावे कर रही थी कि स्टंप हाउसेस को चालू किया जा रहा, कई जगहों पर स्टंप हाउस भी बंद है राजधानी पटना में, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा स्थिति है वो जल जमाव की है, और जल जमाव की स्थिति से निपटने के लिए सरकार के लिए भी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से पटना पिछले साल डूबा था, लोगों में डर है इस बार भी, क्या इस बार भी राजधानी डूबेगा। और बारिश सुबह मात्र अभी 2 से 3 घंटे हुए होंगे, और इतनी देर की बारिश नहीं,
जो सरकार के दावे हैं उनकी तो पोल खुल रही है, क्योंकि चाहे राजधानी पटना की अलग अलग जगहों की बात करें वो पूरी तरीके से जल जमाव से डूब चुके हैं, वहां पे पानी भर गया है, सड़कों पर गलियां हैं वहां पे पानी भर गया है, और लोग कहीं ना कहीं इस सोच में पड़ गए हैं कि इस बार वो बच पाएंगे या फिर इस बार भी पटना डूबेगा। और सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, सरकार को अभी से ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लेने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाएगा तो आने वाले वक्त में जल जमाव की स्थिति राजधानी में तो नहीं होगी, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से जल जमाव की स्थिति हुई थी उससे उबारने के लिए इस बार राज्य सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, जो तस्वीरें राजधानी पटना की हमें बता रही है तो आप देख सकते हैं, अगर पटना का ये हाल है तो बिहार के कई जिलों में जो गांव है, गांव के इलाकों में जिस तरीके से बारिश हो रही है वहां पर क्या कुछ कार्य होगा, इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं? जी देखिए, जब बारिश आती है तो सीमांचल के जो क्षेत्र होते हैं वहां पे बाढ़ का खतरा काफी मंडराने लगता है, और उस स्थिति में सरकार को सीमांचल के क्षेत्र में किस तरीके से बचाव किया जाए, लेकिन जो सीमांचल के क्षेत्र है वहां पे भी जो राहत बचाव राहत कर रहे हैं वो किया जा रहा है, लगातार बोरियां बनाई जा रही हैं, और वहां पे बाढ़ ना आए उस इलाके को बचाया जा सके उसके लिए भी काम लगातार हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडराता है, क्योंकि गांव जो होते हैं ग्रामीण इलाके होते हैं वहां पे पानी काफी अंदर गांव में घुस जाता है, जल जमाव काफी उत्पन्न हो जाता है, तो उन लोगों को बिल्कुल विशेष तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमसे साझा किया है। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ, बात करेंगे सत्ता के संग्राम की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फेसबुक पर एक बार फिर लाइव आए हैं और अपने सरकारी आवास पर बनाए गए कोविड सेंटर को लेकर सत्ता पक्ष के राजनेताओं के द्वारा की जा रही बयानबाजी को लेकर अपनी नाराजगी उन्होंने व्यक्त की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने कोविड सेंटर लोगों की सहायता के लिए तैयार किया, साथ ही सरकार से अनुरोध भी किया कि वह इसे टेक ओवर करे, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है कि वह इसे टेक ओवर करेगी या नहीं, मुझे सरकार के फैसले का इंतजार है, ऐसा तेजस्वी यादव कह रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी के निशाने पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी भी रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश सरकार को गुरुवार की शाम तक का भी वक्त दे दिया है। तो अनुमति दे दीजिए, हम लोग जो है हम ही लोग चलाने का काम करेंगे, लेकिन बिहार की यथावत जो सिचुएशन है, जो जमीनी हकीकत है अस्पतालों की, आपने देखा होगा हमारे टाइमलाइन पे भी कि दरभंगा का जो अस्पताल है किस प्रकार से भूत बंगला टाइप का लग रहा है, और मंगल पांडे जी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कोई बिछौना लगा देने से कुछ होता नहीं है। मंगल पांडे जी, अगर आपने तो अस्पतालों में बाहर दरी तक नहीं बिछाई, दरी तक नहीं लगाया आप लोगों ने, क्या अस्पतालों की हालत है? पीएमसीएच चले जाइए, एनएमसीएच चले जाइए, आईजीएमएस चले जाइए, या बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में चले जाइए, दूर दराज के अस्पतालों में चले जाइए, कई कई 2006 से निर्माण हुआ है अभी तक अस्पतालों का, और मंगल पांडे जी हो या सरकार में बैठे लोग, कई बड़े बड़े नेता जो है वो बोल रहे कि अस्पताल कैसे चला सकता है। तो कल के हमारे वो जो वीडियो है वो जरा सुन ले, हमने साफ तौर पे कहा है कि हम अस्पताल नहीं चला रहे हैं, हम जो है कोविड केयर सेंटर जो है जो सुविधाएं जो होनी चाहिए और जो अपना आवास है वो सौंपना चाहते हैं राज्य सरकार को, और राज्य सरकार जो है उसको चलाने का काम करे, और जो चीज जरूरत की चीजें हो वो हमसे मांग सकते हैं और हम लोग जो है उसको पूरा करने का काम करेंगे, जैसा मेडिकली टीम जो रहेगी वो गाइड करेगी वैसी चीजें जो है हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे, बंदोबस्ती में लगेंगे। और हमने एक और अनुमति मांगी थी माननीय मुख्यमंत्री जी से फेसबुक लाइव करके, आप लोगों को बताया था कि अब चिट्ठी लिखने जा रहे हैं, उसका भी कोई जवाब अब तक मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया है। हमने अनुमति मांगी थी कि हमको परमिशन दिया जाए कि हम अस्पतालों का दौरा कर सके, मुआयना कर सके, विभागों की समीक्षा कर सके, कहाँ कमी है, उन कमियों को हम लोग जो है सिर्फ हम ही को नहीं जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन सभी को अनुमति दी जाए, हम लोग जो राहत के लिए जो सामग्री देना चाहते हैं उसकी अनुमति दी जाए, लेकिन अब तक जो है उसका भी कोई जवाब नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश है, मुंह में दही जमा रखे।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में कोविड केयर की स्थापना को लेकर बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तंज कसा है। दरअसल डीटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अपने घर में ऐसे ही अस्पताल नहीं खोल सकता। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं को किस तरीके से चलाना है ये सिस्टम तय करता है। तेजस्वी यादव ने अपने सरकारी आवास को अब कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है और सरकार से आदेश मांगा है कि उसमें इलाज करने की इजाजत दे। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष ने अपने सरकारी आवास को कोविड केयर सेंटर बना दिया और सरकार से आदेश मांगा है। देखिए, किसी भी जगह पे अस्पताल नहीं बनाया जा सकता और कहीं भी बिछावन लगा के अस्पताल का रूप नहीं दिया जा सकता। मैं इतना ही कहूंगा, मैं तो अपना काम करता हूं, मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं, कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता, ये तो सब राजनीति करने वाले लोग ऐसा कर रहे हैं। मैं इतना कहूंगा कि जिम्मेवार आदमी को जिम्मेवारी के साथ काम करना चाहिए। सर, अस्पतालों में आप लगातार जा रहे हैं, देख रहे हैं, व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं, क्या स्थिति लग रही है? आप देख रहे होंगे कि लगातार मरीजों की संख्या घट रही है, किसी चीज की किसी को कोई अब कठिनाई परेशानी नहीं है, किसी भी दिन हम लोगों ने परेशानी नहीं होने दिया। प्रत्येक दिन सुबह से रात तक जग के हमारे चिकित्सकों ने, चिकित्सा कर्मियों ने, अधिकारियों ने, सभी लोगों ने परिश्रम करके व्यवस्था को बनाए रखा और लोगों को राहत पहुंचाई। लॉकडाउन जो बिहार में लगा है उसका असर देखने को मिला है, क्या लॉकडाउन को और एक्सटेंड करना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली आप देखेंगे कि जब से लॉकडाउन लगा है उसका लाभ मिला है, जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनका भी लाभ लोगों को मिला है। तो सारी व्यवस्थाओं ने ऐसा स्थिति बनाया है जिसमें अब रिकवरी रेट हम 90% के पास पहुंच गए हैं और पॉजिटिविटी रेट घट के लगभग 4.6% के आसपास आ गए। लॉकडाउन आगे बढ़ाने का नहीं, ये तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर समीक्षा होगी। 25 तारीख तक लॉकडाउन है, अभी आज तो 5-6 दिन बाकी है, तो अभी और नजदीक आएगा तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी सभी संबंधित लोगों से बातचीत करके तय करेंगे। अच्छा सर, एक सवाल, अस्पतालों में वेंटिलेटर रखे हुए हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। नहीं देखिए, ये बहुत कम संख्या में ऐसा है। राज्य के अंदर 950 से अधिक वेंटिलेटर है और इसके अलावा 400 से अधिक वेंटिलेटर प्राइवेट संस्थानों के अंदर है और उससे लोगों को सेवा दी जा रही है। जो हमारे सरकारी संस्थानों में वेंटिलेटर्स हैं, हमारे एम्स के अंदर IGMS, PMCH, NMC, सारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और आज 15 से ज्यादा सदर अस्पताल है जहां पर वेंटिलेटर्स का लाभ लोगों को दिया जा रहा है। तो ये हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, जिनका साफ कहना था कि अस्पतालों में लगातार ये पहुंच रहे हैं और अस्पतालों की व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नजर आ रहे हैं और बिहार में जो लॉकडाउन लगा है उसका असर भी देखने को मिला है, संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी आई है। निशेश ठाकुर, डीटीवी भारत, पटना। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा आइसोलेशन सेंटर चलाने पर जेडीयू विधान पार्षद नीरज कुमार ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने नया राजनीतिक नाटक शुरू कर दिया है, बिहार सरकार लगातार कोरोना मरीजों के लिए कार्यरत है। लापता गंज के नायक तेजस्वी यादव का नया राजनीतिक नाटक, सरकारी आवास आपके पिता की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, जागीर नहीं है, पार्टी का कोविड केयर सेंटर खोलना यह आंखों में धूल झोंकना है, मंशा साफ नहीं। अरे, आपके दल के अल्पसंख्यक विधायक ने नवादा जिला प्रशासन पर भरोसा किया, सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन और सिलेंडर सौंपा और आप अपने सरकारी आवास में बेड लगा रहे हैं। तो बता दें कि जेडीयू एमएलसी और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने ट्वीट करके भी तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उम्र भर जनाब भूल करते रहे, गोबर घुसा था दिमाग में और हाथ साफ करते रहे, माना उम्र के पड़ाव पर कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये ट्वीट जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पे कहा है और साथ ही साथ आगे उन्होंने लिखा है कि वो सुशील है दिल से भी और दिमाग से भी, मगर गुस्ताख नक्षत्र नाम का दुर्भाव देखिए कि बेअदबी को भी शर्म आती है। तो कुछ इस लहजे में, शायराना अंदाज में जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर
ट्वीट करके हमला बोला है, जो टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो ये दो ट्वीट उन्होंने किए हैं। पहला ट्वीट जो हमने आपको बताया कि उम्र भर जो ना भूल करते रहे, गोबर घुसाता दिमाग में और हाथ साफ करते रहे, माना उम्र का तकाजा। और दूसरा ट्वीट वो सुशील है, दिल से भी और दिमाग से भी, मगर गुस्ताख नक्षत्र नाम का दुर्भाव देखिए कि बेअदबी को भी शर्म आती है। वहीं तेजस्वी की इस पहल पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि अपने सरकारी आवास को मेडिकल वार्ड में तब्दील करने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को धन्यवाद। आग्रह है कि अब राजनीतिक बातचीत को छोड़ आप वहां चिकित्सकों की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। बड़ी खबर सामने आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं। 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक कर रहे हैं और उनका संवाद जारी है। तो 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ वो संवाद कर रहे हैं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी इस बैठक में मौजूद है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पे इस वक्त की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल के 9 जिलों के डीएम भी बैठक में शामिल हुए हैं। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अहम बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद प्रेस वार्ता भी कर सकती है ममता बनर्जी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक जारी है। 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर एक्शन मोड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आज भी प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में 10 राज्यों के 54 डीएम शामिल हैं। और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात सामने आ रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम लाइव अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी, उनसे हम बात करेंगे और उनसे ये तमाम खबरें लेंगे। अविनाश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक और अहम बैठक कर रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर। बिल्कुल, देखिए ऋतिक, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठकें की हैं, वो अपने अधिकारियों के साथ हो या अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ हो या बुद्धिजीवियों के साथ हो, डॉक्टर्स के साथ हो, तमाम बैठकें हुई हैं। लेकिन ये दूसरी बार है जब जो जिले के अधिकारी हैं उनसे बैठक की जा रही है और उनसे जिले वाइज स्थितियों के बारे में भी जाना जा रहा है। हालांकि इस बैठक में कई मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और जैसा कि बड़ी खबर यह भी है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल होंगी और वो भी अपनी बातें रखेंगे, क्योंकि देखिए बंगाल में चुनाव खत्म हुए हैं और बंगाल में भी कोरोना को लेकर स्थितियां खराब हो रही है। 19,000 के आसपास रोज नए मामले आ रहे हैं और ठीक होने वाले मामले जो है वो भी लगभग उतने के ही बराबर है, लेकिन वहां भी मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, संक्रमण वहां पे बढ़ रहा है, एक्टिव मरीजों की संख्या वहां पर बढ़ रही है, जिसको लेकर बंगाल की भी स्थिति खराब हो रही है। हालांकि सबसे ज्यादा स्थिति अगर कहीं भी खराब है तो वो फिलहाल कर्नाटक है, जहां एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी लगभग 6 लाख के नीचे है, लेकिन वो 6 लाख ही मान के चले क्योंकि स्थितियां वहां पर भी लगातार बिगड़ रही है। हालांकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से स्थितियां रही वो अब सुधर रही है, लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हो गई है और इस बैठक में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गांव तक कोरोना के संक्रमण को जाने से कैसे रोका जाए। बिल्कुल, एक सवाल अविनाश, एक सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिला स्तर पर बैठक कर रहे हैं जिलाधिकारियों के साथ, 54 डीएम के साथ बात कर रहे हैं और जो देश में हालात हैं और जो जो गांव के जो तबके के हालात है, जहां पर वेंटिलेटर्स भी नहीं है, जहां पे कमी है ऑक्सीजन की, क्या उन पर भी बातचीत की कोई बात सामने आ रही है? बिल्कुल, ये बातचीत हो सकती है क्योंकि देखिए लगातार मीडिया में या सोशल मीडिया के जरिए ये तमाम खबरें चल रही है जिसको सरकार देख रही है, समझ रही है, क्योंकि इससे पहले भी जब बैठक हुई थी जिलाधिकारियों के साथ तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने कहा था कि गांवों तक जो मशीनें भेजी जा रही है, ये जो मशीनें हैं उनका समुचित व्यवस्था में उनके रख रखाव की स्थिति हो, वो सही तरीके से चले, उनके लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मशीनें रखी हुई हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उन मशीनों का इस्तेमाल होना चाहिए इस पैंडेमिक स्थिति में, अगर नहीं हो पाया तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए बात सीधी तरीके से समझनी होगी कि जितनी मशीनें हैं कम से कम उतना का तो इस्तेमाल होना चाहिए, रखकर उन मशीनों का हम क्या करेंगे जब लोगों को हम बचा नहीं पा रहे। देखिए अब तक शहरों में संक्रमण बहुत ज्यादा रहा है, चाहे वो बात हम दिल्ली की कर लें, मुंबई की कर लें, या पटना की कर लीजिए, या तमाम और जो बड़े शहर हैं वहां की कर लीजिए, वहां की स्थितियां खराब हैं, लेकिन अभी तक गांव इससे उतने बड़े स्तर पर संक्रमित नहीं है, लेकिन अब गांव में भी संक्रमण फैल रहा है, जा रहा है, तो वहां पर अगर स्थितियां खराब होती हैं तो फिर बहुत स्थिति बिगड़ जाए। इसको लेकर प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जिलों डीएम है उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, पहले भी उन्होंने बातचीत की थी और जिलाधिकारी बिल्कुल गांव की बात की अविनाश आपने गांव की बात की है और गांव की बात की है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज बैठक कर रहे हैं गांव में तो टेस्टिंग के लिए भी बढ़ाने पर भी वो बात कर सकते क्योंकि गांव के जो लोग हैं वो टेस्टिंग वहां पर बहुत कमी देखने को मिले जो शहर के कंपैरिजन में बात की जाए तो बिल्कुल टेस्टिंग गाँव में कितनी हो रही है इसकी संख्या नहीं आती है। देखिए हालांकि टेस्टिंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले भी कहा है लेकिन उस स्तर पर हो नहीं पाता है, चाहे बात अधिकारियों की कर ले या प्रधानमंत्री की कर ले, बिहार के मुख्यमंत्री की कर ले या दूसरे राज्यों की मुख्यमंत्रियों की कर ले, स्वास्थ्य मंत्रियों की कर ले, ये लगातार कहते जरूर है कि टेस्टिंग बढ़ानी है, अपने अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि टेस्टिंग बढ़ाई है लेकिन टेस्ट उस स्तर पर नहीं हो पाता है। भारत में अभी कल जब मैं कोरोना बुलेटिन कर रहा था तब की अगर टेस्टिंग की संख्या की बात करें तो 20,000 से थोड़े ज्यादा टेस्ट किए गए थे। अब एक बात आप जान लीजिए जहाँ 135 करोड़ की जनता रहती है जनसंख्या है वहाँ पर 20,00,000 टेस्ट एक दिन में होते हैं तो ये किस तरीके से है, यहाँ इतने राज्य है, राज्यों में इतने अपने स्तर पर स्वास्थ्य महकमे हैं, कितनी स्थितियां हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि टेस्टिंग को बढ़ाना, इस पर चर्चा हो सकती है, साथ साथ जिलों की क्या स्थिति है इसको लेकर वो बातचीत करेंगे, अपने कुछ निर्णय या फिर अपने कुछ जो निर्देश होते हैं वो देंगे इस बैठक में। इस बैठक में ये इस बात पर चर्चा हो रही होगी कि जो जैसे केरल में पिछले दिनों हमने देखा कि एक दिन में 99,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए तो इस पर कैसे दूसरे राज्यों में ऐसा क्या किया जाए कि मरीजों की ठीक होने की संख्या ज्यादा, मौत का जो आंकड़ा बढ़ रहा है इसको कैसे रोका जाए, जो मशीनरी हमारे पास है जो उपलब्ध है उसको कैसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, उन तक सही तरीके से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल जी व्यवस्था कर सकते जी बिल्कुल बिल्कुल अविनाश तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, हम आपसे इजाजत चाहेंगे लेकिन इस खबर पर नजर बनाकर रखें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर रहे हैं, संवाद जारी है और इस बैठक में बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। तो बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बैठक कर रहे हैं। बक्सर में आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बक्सर में एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है, दूसरी ओर जनता के साथ धोखा भी दिया जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि स्थानीय जनता कह रही है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के संसदीय क्षेत्र में SJVN की ओर से जिला स्वास्थ्य समिति को साल 2019 में गिफ्ट दिए गए और जो एम्बुलेंस थे वो चौथी बार उसका वर्चुअल उद्घाटन किया गया है जिसको लेकर जनता में नाराजगी है। इस खबर को DTV भारत ने पहले भी दिखाया, इसके बाद सियासी हंगामा मचा हुआ है। तब तक से माननीय मंत्री जी ने हॉस्पिटल को ये सपोर्ट किया गया था कि एम्बुलेंस रखने से कोई फायदा नहीं, खड़ी रखने से, तब तक ये हॉस्पिटल अपनी व्यवस्था से इसको उपयोग में लाए। जब हमारी व्यवस्थाएं हो गई हमको वो एम्बुलेंस वापस मिला और वो भी एम्बुलेंस जर्जर। जमुई जिले में एक तरफ कोरोना काल में खाद्य सामग्री जुटाने में लोग असमर्थ नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने वालों का हौसला भी चरम पर है। ताजा मामला जिले के बोड़वा क्षेत्र का है जहां भारी मात्रा में सरकारी अनाज के साथ वाहन को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि मौके से चालक को जो है वो फरार हो गया है। SHO ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी छापेमारी की गई। कहाँ से बनाया हुआ है? खाना क्या है? अच्छा 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 मैंने किनका है पता था, कौन सा डीलर का है? अच्छा आगे की क्या कार्रवाई होगी मैम? बिहार में कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 25 मई तक सूबे में लॉकडाउन को बढ़ाया है। ऐसे में तमाम जिला प्रशासन सड़कों पर उतरकर लोगों से लॉकडाउन का पालन करा रही है। इसी कड़ी में बक्सर में पुलिसकर्मी का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वे सब्जी विक्रेताओं से लॉकडाउन का पालन कराने को लेकर सब्जियों को नाली में फेंक रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब लॉकडाउन के दौरान निर्धारित समय के बाद भी कुछ सब्जी दुकानदार अपनी दुकान खोले हुए थे तो इसी बीच नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सब्जी दुकानदार की सारी सब्जियों को नाली में फेंक दिया जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि DTV भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। और फिलहाल खबरों में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत लेकिन जाने से पहले जैसा कि DTV भारत लगातार आपसे अपील कर रहा है कि कोरोना वायरस के खतरनाक संक्रमण से बचने के लिए अपने आप को मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, कोरोना गाइडलाइन का सकुशल तरीके से पालन करें, बखूबी पालन करें क्योंकि आप सुनेंगे बात तभी बदलेंगे हालात। नमस्कार।